राजधानी दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रोन के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मंगलवार को दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया था। सिनेमा हॉल, स्पा और जिम पर ताला लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब निर्देशों को लेकर जिम संचालक और जिम करने वाले लोग डीडीएमए के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। जिम संचालकों का कहना है कि हर बार जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो सबसे पहले जिम बंद कर दिए जाते हैं और जिम को खुल भी सबसे अंत में जाता है, जबकि हैरानी की बात यह है कि जिम ऑनर कोविड गाइडलाइन के तमाम नियमों का पालन करते हैं और जिनमें टाइम स्लॉट के हिसाब से जिम करने वाले आते हैं, कोई भीड़ नहीं होती और एक स्लॉट में जितने भी लोग जिम करने आते हैं सोशल डिस्टेंस से उनको जिम कराया जाता है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के हालात को देखते हुए जिम मालिक अब बेहद ज़्यादा परेशान हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है उसके बाद क्या कोरोना के और ओमिक्रोन के मामले कम होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आर सोनी न्यूज़ के लिए देख रहे हैं आप मोहम्मद अजीज की एक खास रिपोर्ट, आर सोनी न्यूज़ पे सहयोगी मुकेश सिंह के साथ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है सरकार ने। फैसला तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए किया, जैसे आजकल आप देख रहे हैं ओमिक्रोन का बड़ा सब जगह डर का माहौल है, लेकिन मुझे समझ यदि जिम के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे जिम हो, चाहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, चाहे हेल्थ क्लब हो, यहाँ से तो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है। फॉरेन कंट्री के अंदर सबसे पहले जिम और हेल्थ क्लब खोले जाते हैं, जैसे आज का फैसला है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो बंद कर दिए लेकिन पब्लिक ग्राउंड सारे खुले हुए हैं। हर पार्क के अंदर डीडीए ने ओपन जिम बनाया हुआ है। अगर लोगों को डर हो कोरोना का, अगर वहाँ भी एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ से भी फैलने का डर है, तो जिम पे इनको क्यों आपत्ति हो जाती है, मुझे बात समझ नहीं आती। जिम से तो इम्यूनिटी बढ़ती है। और आप रेगुलर जिम करते हैं? बिल्कुल, मैं कई सालों से रेगुलर जिम कर रहा हूँ। लोगों की कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी, लोगों की आदत बनी होती है सुबह जल्दी उठ के 6-7 बजे जिम में आने की, एक्सरसाइज करने की, पसीना निकालने की, उसके बाद घर जाने की, लेकिन वो सारी आदतें छूटती जाएंगी, इम्यूनिटी कमी होगी, लोगों की बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ओपन जिम खुले हैं तो इसको बंद करने का मुझे तात्पर्य समझ नहीं आया। और जिम में तो इतनी भीड़ नहीं होती जबकि मार्केट में इतनी भीड़ है। गिने चुने 20-30 लोग जिम के अंदर आते हैं 2 घंटे के अंदर, शेड्यूल बटा होता है 1 घंटे कोई 10 लोग आते हैं। और मार्केट के अंदर वीकली मार्केट खोली है उन्होंने 50% वेंडर के साथ, एक वीकली मार्केट के अंदर कितने लोग आते हैं, कितने हजारों वेंडर होते हैं, कोई काउंट करना मुश्किल होता है। तो 50% का पैमाना क्या मानेंगे, ये 1000 का, 2000 का, 5000 का, 2500 का, किसी के 2 पेन लगे हों वो कहेगा हम 2 वेंडर हैं, तो इनको तो काउंट ही बड़ी मुश्किल है। इन्होंने सिर्फ ऐसे ही बिना मतलब समझदारी के ऐसे ही फैसला ले रखे हैं। बंद करने के आदेश? सर वही है, पहले कोरोना ने कोहराम मचाया, अब ओमिक्रॉन की आफत पूरी पड़ी हुई है। अब सर हम लास्ट हमारे पास यही डिसीजन आया कि जिम को बंद करा जाए, कोई और धंधा देखा जाए जिसमें हम अपने 2 पैसे कमा सके। अब पूरी तरह हर टाइम जिम ही इनको दिखते हैं, जिम ही सबसे पहले बंद करते हैं और मेरे को समझ नहीं आता इनको जिम से है क्या, जबकि यहाँ से इम्यूनिटी आप जैसे आप देख सकते हैं कि फॉरेन में भी सबसे पहले जिम ही खुले थे और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बिल्कुल एंड में जिम खोलते हैं। कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन भी? बिल्कुल एग्जैक्ट, कोविड जैसे आप देख सकते हैं हमारी सैनिटाइजर मशीन्स लगी हुई है, कोविड का हम प्रोटोकॉल बिलो वैसे ही लेते हैं। टाइम स्लॉट्स बांधे हुए हैं हमने, किस टाइम पे किस बंदे को आना है वो सारे स्लॉट्स बांधे हुए हैं। आज बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे पीछे मेरा जिम का पूरा सन्नाटा बचा हुआ है, अब मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है सिवाय सेटअप बंद करने के। सर अब तो सिचुएशन ऐसे ही आ गया, पहले कोविड आया एक बारी बंद हुआ, फिर दूसरी बार आया, अब नया वेरिएंट आ गया है जिसकी वजह से हालात ऐसे हो गए कि अब हम अपने सेटअप बेच के जहां इतनी चहल पहल होती थी अब बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। अपने सेटअप बेच के अब हम वाइंड अप कर रहे हैं बिज़नेस को, हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहा। हम कितनी बारी बंद करें जिम के और कब खुलने की उम्मीद है किसी को भी नहीं पता। हम इस टाइम पूरी तरह रोड पर आ चुके हैं, जब देखो तब जिम को बंद करने के लिए गवर्नमेंट तैयार रहती है और खोलते भी बिल्कुल बाद में है। और सबसे बड़ी सर एक चीज़ बताइए, हमारी रोज़ी रोटी है आज हम इसको बेच रहे हैं, हमारे EMIs, हमारे जितने रेंट्स, कोई हमें माफ़ नहीं, कोई EMI माफ़ नहीं, हम कहाँ जाएं परिवार को लेके, रोड पे बैठे भीख मांगे, यही एक ऑप्शन रह गया। इसकी नौबत क्यों आ गई? बेचने की नौबत इसलिए आ गई कि कोई है ही नहीं, जब देखो बंद कर देते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, सबसे पहले जिम पे आज गिरती है कि लॉकडाउन लगा दिया, बंद कर दो और खोलना भी बहुत लेट,
पहले सारी चीज़ें खोल देंगे फिर जिम खोलेंगे, पता नहीं जिम से इनको क्या खुंदक है, जिम को क्यों ये हमेशा टारगेट में लेते हैं जबकि इम्यूनिटी इससे बूस्ट होती है। क्योंकि जिम में गैदरिंग भी नहीं होती इतनी, जिम में गैदरिंग भी नहीं होती, टाइम स्लॉट सबके बंद हुए, टाइम के अकॉर्डिंग सब आ रहे हैं, उसके बाद भी फिर भी सबसे पहले इनको जिम ही दिखते हैं बंद होने के लिए। पहले कोरोना ने कोरोना मचाया और फिर हम हिमरोग ने कोरोना मचा के हमें रोड पे ला दिया।